चैनल खुद इकरा में आज मैं बनाने वाली हूँ शकरकंदी की खीर। बेसिकली ये शकरकंदी की प्रॉपर जो खीर की रेसिपी होती है वो नहीं है, ये दूध में हम शकरकंदियाँ बनाएंगे। ये बहुत ही सिंपल और मज़ेदार रेसिपी बनती है, तो आप लोग इसको सर्दियों में ज़रूर बनाइएगा। आजकल शकरकंदी का मौसम है तो मैंने सोचा एक झटपट सी रेसिपी बना दूँ। अगर आप लोगों का कुछ मीठा खाने का सर्दियों में दिल चाह रहा है तो इससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं है और इससे जल्दी कोई चीज़ नहीं बन सकती। तो मैंने इसके लिए आधा किलो शकरकंदियाँ ली हैं और इसको काट के अच्छी तरह से धो के अपने पास रख लिया है। इस तरह से देखें, इसको मैंने इतना मोटा मोटा आप लोग काट लीजिएगा और गोल गोल काट लें। अगर बहुत ज़्यादा बड़ी शकरकंदी है तो बीच से कट करके काट लें। बस हमें स्लाइसेस काटने हैं इसके शकरकंदी के, जैसे हम आलू की कतलियाँ काटते हैं। बाकी इसमें जाएगा घी, ये मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया है घी, क्योंकि बहुत सर्दी है। बाकी इसमें जाएगी लौंग, ये दो तीन लौंग ले लिए मैंने, और दो मैंने ये हरी इलायची ले ली है। बाकी इसमें चीनी जाएगी आधा कप। चीनी जो है आप लोग प्लस माइनस कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, कम ज़्यादा, जो जिसको मीठा ज़्यादा पसंद है वो बढ़ा भी सकता है, जैसे कम तो वो कम भी कर सकता है। दूध इसमें जाएगा आधा लीटर, ये मैंने अभी 1 कप भर के लिया है, आधा मैं इसमें और डालूंगी जब बनाऊंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इसमें आधा लीटर दूध के साथ आधा केजी जो मैंने ली हुई है, हाफ केजी शकरकंदी, इसके साथ आधा किलो दूध में बहुत अच्छा सा एक टेक्सचर वाली खीर बन के तैयार होगी। तो आइए शुरू करते हैं। ये मैंने एक पैन में थोड़ा सा ये जो मैंने 2-3 चम्मच घी लिया है वो डालकर गरम कर लिया है। अब मैं इसमें ये लौंग और इसको थोड़ा सा, इतना 2 मिनट बस मुझे इसको करना है कि बस ये ज़रा सा क्रैकर हो जाए और थोड़ी सी खुशबू आ जाए घी के साथ इन दोनों चीज़ों की। बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना, बिल्कुल थोड़ा सा पकाएंगे। उसके साथ मैं फौरन ही शकरकंदी डाल दूंगी इसके अंदर। शकरकंदी बहुत जल्दी गलती है जिस तरह आलू गलते हैं, 2 मिनट में ये बन जाती है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। और थोड़ी सी डिफरेंट भी है और सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद, बच्चों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब मैं इसको 2 मिनट इस तरह से भूनूंगी। ये देखिए, इसको 2 मिनट मैंने भूना है, हल्का सा बस शकरकंदी का कलर चेंज होगा। अब मैं इसके अंदर ये चीनी डाल दूँगी। चीनी डालने के बाद भी मैं इसको बस 1-2 मिनट भूनूंगी, उसके बाद इसमें फौरन दूध डाल देंगे और फिर इसको दूध के साथ ही पकाएंगे हम। ये मैंने दूध डाल दिया है इसमें, अब ये चीनी के साथ पकेगी थोड़ी देर। और शकरकंदी अभी गली नहीं है, शकरकंदी गलेगी दूध के अंदर ही। इसमें 1/2 कप दूध और डालेगा। दूध कम ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं, लेकिन दूध के साथ ही ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है, क्योंकि अभी ये गलेगा तो दूध भी सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। अगर आप लोगों को लास्ट मोमेंट पे भी लग रहा है कि दूध इसका ड्राई हो रहा है तो आप लोग और भी दूध ऐड कर सकते हैं अगर आपको दूध ज़्यादा पसंद है। तो अब मैं इसे एक बॉयल आने दूंगी 5-10 मिनट तक, क्योंकि इसी को पकना है। ये देखिए, इसमें उबाल आना शुरू हो गया है और अभी लेकिन दूध भी इसमें पूरा बरकरार है और शकरकंदियाँ जो हैं वो अभी गली नहीं है शकरकंदियाँ, क्योंकि अभी सिर्फ 2-3 मिनट ही हुए हैं। एक उबाल जल्दी से ही आ जाता है, बस अभी जो उबाल आया है अब मैं इसको ढक दूंगी और ढक कर मैं इसे गलाऊंगी जब तक शकरकंदी गल नहीं जाती। थोड़ा सा चूल्हा हल्का कर दूंगी, अगर तेज़ आंच पे इसको पकाऊंगी तो पूरा दूध खुश्क हो जाएगा, शकरकंदी ड्राई रह जाएगी। बस शकरकंदी गलने तक का इंतज़ार करना, उसके बाद हमें हल्का हल्का इसको मैश करना है ताकि शकरकंदी थोड़ी मैशी और थोड़ी साबुत रहे।
ये देखिए इसको पकते हुए तकरीबन 5 मिनट 7 मिनट हो गए हैं, अच्छा उबाल आ रहा है। और मैं इसको एक छुरी की मदद से देखती हूँ कि इसकी शकरकंदी वैसे तो गल गई है, देखें टूटी टूटी नज़र आ रही है आप लोगों को, ये देखें कितने अच्छे से गल गई है, छुरी की मदद से चेक कर लें आप लोग। अब मुझे क्या करना है, इसको तेज़ आँच पे थोड़ा सा दूध को पकाना है और शकरकंदी को थोड़ा थोड़ा मैश करना है और तोड़ना है, उससे जो है थोड़ा थिक हो जाएगा इसका जो दूध है और ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। इसको मैं तेज़ आंच पे थोड़ा सा पका लूँगी और इसे थोड़ा सा इस तरह से शकरकंदी को तोड़ूंगी। ये देखिए इसको मैंने तेज़ आंच पे बिल्कुल पकाया है और भून लिया है, तो ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है दूध भी और शकरकंदी को मैश किया है, तो ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे निकाल के डिश आउट करूँगी और इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखाऊंगी। ये बिल्कुल रबड़ी सी लग रही है जैसे खीर होती है, ये बहुत ही मज़ेदार है, आप लोग ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये कैसी बनी है आप लोगों की। तो जब तक मैं इसे डिश आउट करती हूँ, ये देखिए इसको मैंने डिश आउट कर दिया है। मैंने इस पर थोड़ी सी सजावट के लिए ये खजूर लगा दिया है, ये तो सिर्फ सजावट के लिए ताकि थोड़ा अच्छा लगे, लुक आया है इसका, अदरवाइज़ इसमें किसी भी ड्राई फ्रूट की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि शकरकंदी खुद ही बहुत अच्छी और गर्म होती है सर्दियों के लिए। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।